अपूर्वा अपने फोन को पैरों से छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाक से उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए अपूर्वा बदमाशों की नजरों में आ जाती है। एक जवान और खूबसूरत लड़की को देख बदमाश अपने खुद पर काबू नहीं कर पाते और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बदमाश निकले तो थे लूटमारी करने, लेकिन अब वो अपना प्लान से भटक कर एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता एक लड़की उन पर कितना भारी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं एक रियल स्टोरी के ऊपर बनी अपूर्वा फिल्म की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के चंबल से, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नाम और निशान नहीं। उसी रास्ते से तीन लोग झांसी के लिए निकले थे, गाड़ी में दो पैसेंजर और ड्राइवर। दरअसल वो एक शादी पे जा रहे थे। कुछ आगे जाने पर उन्हें रास्ता बंद मिलता है और वो गाड़ी को रिवर्स में लेने लगते हैं। तभी पीछे बैठा आदमी को कोई गोली मार देता है। उसके बाद चार लुटेरे आते हैं, जिनमें छोटा, बल्ली, जुगनू और सूखा। ये चारों मिलके उन तीनों को मार देते हैं और उनका गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। गाड़ी के अंदर से उन्हें सोने के सामान मिलता है, जिसे ले जाकर वो एक दूसरी जगह बेच देते हैं। अगले दिन तिवारी नाम के एक आदमी से उन्हें एक टिप मिलता है कि एक ट्रक से 35 लाख का सामान आ रहा है, जिसे उन्हें लूटना है। कुछ आगे जाने पर उन्हें रेल क्रॉसिंग मिलता है, वहाँ पर एक बस भी होता है। उसी बस के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की का नाम अपूर्वा होता है, जो अपनी फियोंसी सीट को उसके जन्मदिन का सरप्राइज देने आगरा जा रही थी। कुछ आगे जाने पर बस का ड्राइवर जुगनू को साइड नहीं दे रहा था, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो टेक ऑफ करके बस के सामने अपने गाड़ी को खड़ा कर देता है। बस ड्राइवर और जुगनू के बीच हाथापाई हो जाती है और जुगनू गुस्से में आकर ड्राइवर को गोली मार देता है। बस में बैठे लोग काफी डरे हुए थे। उसके बाद बल्ली और सूखा बस में बैठे लोगों को लूटने लगते हैं। अपूर्वा भी अपना गहना दे देती है। उसी बीच सीट उसे कॉल करता है और फोन वाइब्रेट करने लगता है, जिसे सूखा देख लेता है और वो उस कॉल को पिक करता है। सीट पूछता है कि अपूर्वा कहाँ है, तो सूखा कहता है कि हम उसे ले जा रहे हैं। उसके बाद वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। वही बस में अपूर्वा का फोन गिरा होता है, जिसमें सीट का कॉल आया हुआ था। एक आदमी उस कॉल को पिक करता है, सीट को इस बारे में बताता है। उसके बाद कहानी कुछ महीने पीछे जाती है, जहाँ अपूर्वा अपनी फैमिली के साथ पहली बार सीट को देखने जाती है। सीट एक बैंक में काम करता है। अपूर्वा और सीट एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। सीट जल्दी शादी करना चाहता है, पर अपूर्वा अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती है, इसलिए सीट से एक साल बाद शादी करने का फैसला करती है। पर इससे पहले दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अपूर्वा इस बारे में सोच कर रो रही थी। छोटा और सूखा उसे छेड़ रहे थे, पर जुगनू को यह सब ठीक नहीं लग रहा। वो कहता है कि सब मरेंगे इस लड़की के चक्कर में। उसके बाद वो एक शॉप के पास रोकते हैं और दारू खरीदते हैं। दूसरी ओर सीट उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से अपूर्वा किडनैप हुई थी। सीट पुलिस वालों को उसकी फोटो दिखाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द अपूर्वा को ढूंढे। सीट को वहाँ से अपूर्वा की रिंग और फोन मिलता है, जिसमें उसके पापा का कॉल आया हुआ था। वही किडनैपर अपूर्वा को लेके एक पुराने ट्रेन के डिब्बे के पास जाते हैं और उसे उस डिब्बे के अंदर ले जाते हैं, जहाँ वो उसकी वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन अपूर्वा उस फोन को गिरा देती है, जिससे छोटा उससे थप्पड़ मारता है और वो बेहोश हो जाती है। वही जुगनू उसे टेस्ट करने के लिए उसके हाथ में सिगरेट लगाता है। बाहर आके लूटे हुए पैसों को गिनने लगते हैं। तभी वहाँ से तारा नाम का एक ज्योतिषी गुजरता है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं। वो ज्योतिषी उन्हें देखकर डर जाता है और हाथ जोड़ के उनसे विनती करता है कि वो लोग उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे बंदी बना लेते हैं। उन्हें डर था कि ज्योतिषी पुलिस को उनके बारे में बता ना दे। वही चारों बात कर रहे हैं कि अपूर्वा के पास पहले कौन जाएगा, इसलिए वो एक गेम खेलते हैं। जो जितना देर तक मुत पाएगा वही पहले जाएगा, पर लास्ट में सूखा ही जीतता है। दूसरी ओर अपूर्वा को होश आती है और वो रेंगती हुई डिब्बे के दूसरे दरवाजे के पास जाने लगती है। अपूर्वा ज्योतिषी की भी हेल्प करती है और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। भागती हुई अपूर्वा छोटा से टकराती है और नीचे गिर जाती है। ज्योतिषी खुद को बचाते हुए एक कोने पे आके छुप जाता है। छोटा अपूर्वा को वापस से ले जाने लगता है, लेकिन अपूर्वा एक बाल्टी से उसे मार देती है। वही इन्हें छोटा की आवाज सुनाई देती है। सूखा जब डिब्बे के अंदर चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, और जब छोटा को ढूंढने लगते हैं तो उसकी हालत देख वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ज्योतिषी का काम होगा, इसलिए वो तीनों दोनों को ढूंढने लग जाते हैं। वही अपूर्वा भागती हुई बहुत दूर आ जाती है, जहाँ देखने पर हर तरफ एक जैसा ही लग रहा था। वो भागती हुई एक कुएं में गिरने से बाल बाल बचती है और एक जगह पे जाके छुप जाती है। वही दूसरी ओर ज्योतिषी को ये लोग पकड़ लेते हैं और अपूर्वा के बारे में पूछते हैं, लेकिन ज्योतिषी उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस वजह ये लोग उसे मार देते हैं और फिर से अपूर्वा को ढूंढने लग
लग जाते हैं। तभी उस ज्योतिषी का फोन रिंग करता है। अपूर्वा भागती हुई उस आदमी के पास जाती है और उसका फोन लेके आ जाती है। फोन की घंटी उन्हें भी सुनाई दी थी, इसलिए वो भी उस फोन को ढूंढने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि अपूर्वा फोन लेके चली गई, जिससे उनका टेंशन अब और भी बढ़ गया है, इसलिए वो उसे दोबारा ढूंढने में लग जाते हैं। वही सिद्ध पुलिस के पास जाता है। पुलिस बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि ये किन लोगों का काम है। अपूर्वा उस फोन से सिद्ध को कॉल करती है, लेकिन सिद्ध कॉल काट देता है, क्योंकि सिद्ध एक बार बास में तारा से मिल चुका था और इसीलिए उसका नंबर सिद्ध के पास था। अब तीसरी बार फोन आने पर सिद्ध रिसीव करता है और जब वो अपूर्वा की आवाज सुनता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। अपूर्वा रोती हुई कहती है कि वो लोग उसे मार देंगे। तभी वहाँ सुखा आ जाता है, जिस वजह अपूर्वा फोन को स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन अपूर्वा यह उनका नाम बताती है, जिससे पुलिस समझ जाती है कि ये रंगा गैंग के लोग हैं। उसके बाद सिद्ध पुलिस के साथ थाने आता है। वहाँ अपूर्वा के पापा भी आए हुए थे। पुलिस कहती है कि उनके पास सिर्फ 3 राइफल है, वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सुबह तक इंतजार करने को कहता है। लेकिन सिद्ध यहाँ पर परेशान था। तभी दोबारा अपूर्वा कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम पुलिस लेके आ रहे हो। तो सिद्ध कहता है कि नहीं, मैं खुद अकेला आ रहा हूँ। तब तक तुम किसी सेफ जगह पर छुप कर रहो। अपूर्वा कुएं की सीढ़ी पर बैठकर बातें कर रही थी, तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है। अपूर्वा को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो अपने कपड़े भिगा कर उससे पानी पीती है। तभी वह बल्ली आ जाता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। उसके बाद वो कुएं से बाहर आती है, जहाँ उसे एक हथियार मिलता है। दूसरी ओर सिद्ध पुलिस को चकमा देकर उसका बंदूक छीन लेता है और उसका बाइक लेकर निकल पड़ता है। वही अपूर्वा के सामने अचानक बल्ली आ जाता है। ये देख अपूर्वा दिमाग से काम लेती है और जैसे ही बल्ली उसके पास आता है तो वो अपने हथियार से बल्ली का औजार काट देती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सुखा और जुगनू उसके पास आते हैं। जुगनू उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, पर सुखा को अपूर्वा चाहिए और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। अब अपूर्वा एक प्लान बनाती है। वो कुएं के आसपास कुछ कपड़े के टुकड़े लगा देती है ताकि उसे पता रहे कि कुएं कहाँ पर है। वही जुगनू और सुखा जोर जोर से बोलते हैं कि बल्ली को हॉस्पिटल ले जाना होगा। दरअसल ये उनका प्लान था। उसके बाद दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अपूर्वा को लगता है कि सच में दोनों चले गए हैं, लेकिन कुछ आगे जाने पर सुखा उतर जाता है और अपूर्वा के सामने आ जाता है। ये देख अपूर्वा भागने लगती है। जुगनू भी उसका पीछा करने लगता है। अपूर्वा भागती हुई कुएं के पास से गुजर जाती है, लेकिन जुगनू कुएं में गिर जाता है। उसके बाद वो उसे ऊपर से पत्थर मारती है, जिससे जुगनू कुएं के अंदर ही मर जाता है। अब बाकी था सुखा। अपूर्वा उसे गाड़ी से मारने की कोशिश करती है, पर वो मरता नहीं। वही सिद्ध भी आ चुका था। अपूर्वा भागती हुई रेलवे ट्रैक पर आ जाती है। सुखा भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। तभी सुखा को ट्रेन आने की आवाज सुनाई देता है। वो टनल से बाहर आने की कोशिश करता है, पर अपूर्वा उसे पत्थर मारती है ताकि वो टनल के अंदर ही रहे। इसी बीच ट्रेन आ जाती है। अपूर्वा को लगता है कि सुखा मर गया, लेकिन वो जिंदा था और वो अपूर्वा के पैर पकड़ लेता है। सुखा माफी मांगता है, पर अपूर्वा नहीं सुनती और वो एक बड़े से पत्थर उठाकर पटक देती है। उसके बाद वो ट्रैक चेंजिंग ऑफिस जाती है और उनके फोन से सिद्ध को कॉल करती है और रोने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अपूर्वा फिल्म की कहानी, जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। आपको कैसी लगी इसकी कहानी, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।